नमस्कार, मैं अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अभय चौधरी ने ग्वालियर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए भाजपा सरकार द्वारा प्रदेश में किए गए विकास कार्य और सरकार की योजनाओं की जानकारी देते हुए दावा किया कि वर्ष 2003 के पूर्व जहां मध्य प्रदेश बीमारू राज्यों की श्रेणी में आता था, वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश विकास के पहले पायदान पर पहुंचता जा रहा है। प्रदेश में चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो या फिर हाल ही में शुरू की गई लाडली बहना योजना हो, बीजेपी सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम की जमकर तारीफ हो रही है और प्रदेश की सम्माननीय बहनों द्वारा सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए जगह जगह रैलियां भी निकाली जा रही हैं। प्रदेश में जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में विकास की एक नई गति देखने को मिली है, तो वहीं ग्वालियर भी विकास के पहले पायदान पर आगे बढ़ता जा रहा है। ग्वालियर में जहां 1000 बिस्तर का अस्पताल शुरू हो चुका है, तो वहीं नए एयरपोर्ट टर्मिनल, ग्वालियर रेलवे स्टेशन के पुनरुत्थान और एलिवेटेड सड़क योजना ग्वालियर के विकास में मील का पत्थर साबित होगी और यह सब भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार में मुमकिन हुआ है। ग्वालियर के निजी होटल में आयोजित हुई पत्रकार वार्ता के दौरान जिला भाजपा के अन्य पदाधिकारी और वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। देखिए, 3 साल में हमारी जो योजनाएं थी, लाडली लक्ष्मी योजना से आज बच्चियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। पहले 1000 पे 912 बच्चियाँ होती थी, आज 978 बच्चियाँ हो रही हैं। लोगों का विश्वास जागृत हुआ है सरकार के प्रति। बच्चियों के प्रति जो चिंता होती थी, वो चिंता खत्म हुई है। लोगों को पता है कि बच्ची हुई है तो उसके शादी ब्याह का इंतज़ाम सब उसके मामा शिवराज सिंह जी करेंगे। और अभी जो नई योजना लाडली बहना आई है, उसका भी लाभ आम बहनों को मिलने जा रहा है। और उसमें इतना उत्साह है बहनों में कि अभी पूरे शहर में आज कई रैलियां निकल लेंगे, धन्यवाद रैलियां मुख्यमंत्री के लिए निकल लेंगे। और आज ग्वालियर में भी हम देखें, इतना बड़ा एयरपोर्ट मध्य प्रदेश में अभी तक नहीं बना जितना मध्य प्रदेश ग्वालियर में बन रहा है। बड़े बड़े बोइंगियाँ उतरेंगे, बड़े हवाई जहाज उतरेंगे, बड़े बड़े शहरों से कनेक्टिविटी होगी यहाँ पर, उससे रोज़गार बढ़ेगा, इससे पर्यटक आएंगे। आज चीते आए, शेर आ रहे हैं जंगलों में, पर्यटन के क्षेत्र में हम लोग बढ़ेंगे तो रोज़गार बढ़ेगा। आज हम देखते हैं 1000 का बिस्तर का अस्पताल शुरू हो गया है, गरीबों को लाभ मिल रहा है। आज उसमें ऐसा लगता है जाने के बाद कि किसी भी प्राइवेट अस्पताल में जितनी सुविधा नहीं है, जितनी सुविधाएँ वहाँ मिल रही हैं। तो ये सब आम जनता के लिए भी, पैसे वालों के लिए भी, गरीबों के लिए, सबके लिए। और आज प्लेन तो हवाई जो यात्रा है वो तो रोज़गार बढ़ाना देने के लिए, उद्योगपति अब मध्य प्रदेश से ग्वालियर में आना चाहते हैं, इंदौर से सोचते हैं ग्वालियर में आए, क्योंकि उनको सुविधा मिल रही है एयरपोर्ट की, तो सब उद्योगपति आएंगे यहाँ, बड़े बड़े उद्योग लगेंगे तो रोजगार बच्चों को मिलेगा। अच्छा, विपक्ष का एक लाली को पकड़ा रहे हैं, लगातार भूमि पूजन कर रहे हैं, योजनाएं शुरू कर रहे हैं। देखिए, ये तो विपक्ष कहता है आज 45 लाख बच्चियाँ फर्जी तो नहीं है लाडली लक्ष्मी। आज एयरपोर्ट आप जाके देखिए, इतने से 3-4-5 महीने में इस गति से बन रहा है कि वो तो सामने ग्वालियर वालों को सबको दिख रहा है, उसको एहसास नहीं कि मैंने कह दी और वहाँ आप लोग खुद देख रहे हो जाके, एकदम चमत्कारिक रूप से काम चल रहा है। आज हम देखें 1000 का बिस्तर का अस्पताल, ऐसा लगता है मरीज जाते हैं, लोगों को लाभ मिल रहा है, लोग ऑपरेशन हो रहे हैं, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, उसमें अच्छा इलाज मिल रहा है। देखिए, नामकरण अस्पताल तो चल रहा है ना, जेएच है, जेएच अस्पताल है ना, अभी नामकरण तो है ही उसका, नहीं है नामकरण, नहीं है ना नामकरण। देखिए, अभी क्या है, देखिए नाम से काम तो चल रहा है, नाम क्या करेगा, काम चलना चाहिए, मरीजों को लाभ मिलना चाहिए, लाभ मिल रहा है। क्या लावारिस है क्या हॉस्पिटल? नहीं, लावारिस क्यों, इतना बड़ा अस्पताल है, बड़े डॉक्टर हैं, सब इलाज मिल रहा है सबको। भाई, लोगों को इलाज से मतलब होता है, इलाज ऐसा क्या कारण है कि जो गार्डर वाली पुलिया पे जो ब्रिज बना है उसका भी उद्घाटन नहीं हो पाया अभी तक? उद्घाटन शीघ्र कर रहे हैं, हिंदू महासभा ने उसको उद्घाटन किया है। नहीं, बहुत ऐसे तो कोई भी नारे फोड़ेगा, किसी का भी एयरपोर्ट पे फोड़ेगा तो आगे तो फोड़ने थोड़ी होता है। नहीं नहीं, अभी उसका विधिवत रूप से लोकार्पण होगा, लोकार्पण करके हम लोग रोड को लेकर भी विवाद है, जीतू के नाम पे भी पटवारी ने दावा किया है सरकार। अब देखिए, किसी के दावे को तो रोक नहीं सकते, किसी का मुहरी बंद कर सकते, टैप लगा नहीं सकते, पर हम 200 पार करेंगे, ये हमारा दावा है।
ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम्स को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप हमारे Facebook पेज व अन्य सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं।